ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसे। पहले तो ये मैप इसे समझिए, औरंगजेब जब तक रूल कर रहे हैं तब तक ये पूरी टेरिटरी है उनकी, यहां से बिल्कुल ये असम भी पूरा इतनी बड़ी टेरिटरी है। 1707 में क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, मराठास के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि मराठा टेरिटरी उसके अंदर नहीं थी, सब उसके अंदर ही थे। संभाजी के साथ लड़ाई हुई है, उसे मार दिया गया है, टेरिटरी पूरी उनके अंदर है। ठीक है, यहां पे एक चीज ये बोला जाता है कि डेक्कन पॉलिसी की वजह से, या डेक्कन की, औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया। लेकिन जो किताब मैं आपको बोल रहा हूं शेखर बंदोपाध्याय, आप उसमें पढ़ो, उस पर क्लियरली मेंशन है 23% बीजापुर और गोलकोंडा इसे कैप्चर करने के बाद शाही खजाने में 23% की बढ़ोतरी होती है। लड़ाई होते हैं वहां तो क्या होता है, लूट मार कब्जा सब कुछ होता है, कैप्चर करने के बाद 23% बढ़ी है। बट औरंगजेब ने क्या करा है, जो 23% यहां से आया उसने फर्दर अपने डेक्कन पॉलिसी में ही खर्च कर दिया। वो पैसा रॉयल एक्सचेकर में नहीं गया, या फिर वो पैसा डायरेक्टली किंग के अंडर में आ गया, ये 23% जो इंक्रीज है, और आगे इसे ही डेक्कन को ही सिक्योर करने में सारा पैसा खर्च दिया। तो इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ सकता। मुगल एम्पायर इतनी छोटी एम्पायर नहीं थी कि बैटल्स लड़ने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। ठीक, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता, जस्ट शाहजहां ने, आप देखो कि कितने पैसे खर्च करे उसने। ठीक, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही इज पोजेसिंग वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड ही इज पेइंग द हाईएस्ट सैलरी टू। मनसबदार बढ़ाया, जो अकबर के टाइम पे मैक्सिमम 7,000 था, औरंगजेब के टाइम पे मैक्सिमम मनसबदारी 12,000 है। शाहू को जब रिलीज किया जा रहा है 7,000 मनसब दिया जा रहा है, एक छोटे से प्रिंस है। तो जो बड़े नोबल्स होंगे राजपूताना के, उनको तो 12,000 मिल रहा होगा, तो औरंगजेब के टाइम पे बढ़ा है। ठीक, और एक चीज आप अगर पढ़ोगे लेटर मुगल्स के बारे में, तो वहां पे ये भी दिया जाएगा कि औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी एंड औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, इनके कारण डिक्लाइन आया मुगल का। हाँ, एक्चुअली होता क्या था, दिल्ली से ये कंट्रोल करना मुश्किल होता था, लेकिन औरंगजेब ने इसे कंट्रोल कर लिया था, इसलिए कर लिया था। फॉल्टी पॉलिसी ऐसे बोलने से नहीं होता है कि फॉल्टी पॉलिसी, उसकी टेरिटरी है, उसको तो कंट्रोल करना है, उसको तो कंट्रोल करना है। तो औरंगजेब ने कैपिटल ट्रांसफर नहीं किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे करा था, इसने औरंगाबाद को सेकंड कैपिटल बना दिया था। और औरंगजेब पर्सनली इसलिए ज्यादा डेक्कन में, डेक्कन पॉलिसी में ज्यादा इंटू हुए, क्योंकि राजा बनने से पहले ये खुद डेक्कन के ही गवर्नर थे, तो इनको यहां की पॉलिटी मालूम थी, दैट इज व्हाई ही वाज मोर इंटू डेक्कन पॉलिसी, और डेक्कन को सिक्योर करना था। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी बोला जाता है, तो ठीक है, कुछ एक आध इंसिडेंट्स हमने भी पढ़े थे रिलीजियस पॉलिसी के, कैसे मंदिर टूटे हैं, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है, हिस्टोरियंस ये चीज बोलते हैं, और अगर कुछ मैक्सिमम किताबों में भी बातें हैं, मैक्सिमम किताबों में, जिन किताबों में एनालिसिस नहीं है उन किताबों में ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहां पे ऐसा लिखा है ही इज सेट टू हैव, ऐसा नहीं लिखा ही एग्जीक्यूटेड या ही गेव द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ही इज सेट टू हैव, एनसीईआरटी ऐसे बोलती है। तो चलिए ठीक है, हम इसे कंसिडर भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि, पहली बात, जो सिख गुरु थे ही वॉज द पोलिटिकल हेड ऑल्सो, वहां राजा नहीं था, वहां यही पॉलिटिकल हेड थे,
इन्होंने ही एक प्रोविंस बनाया, इन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, इन्होंने ही मिलिशिया बनाई. गुरु हरगोविंद ही स्टार्टेड द मिलिशिया, किसानों को, लोअर कास्ट पीपल को इनको लेके आर्मी बनाई. क्यों बनाई? सिक्योरिटी के लिए बनाई, लड़ना था इसलिए बनाई. तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे दूसरे प्रिंस भी है. अब जैसे कि वहां पे आप देखोगे बहुत सारे राजपूत हैं, जाट्स हैं, इनके साथ भी सिख के कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हर कोई अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है. तो पॉलिटिक इन्वॉल्व है वहां पर, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा बोला जाता है. बट आई डोंट फाइंड कि ऐसा कुछ है इसमें कि रिलीजियस पॉलिसी के कारण. हाँ, कुछ एक आध चीजें होंगी. तो एक राजा 50 साल राज कर रहा है तो जरूरी नहीं है 50 साल के राज में उसने सब कुछ अच्छा ही करा था, हो सकता है.